फाइनेंस स्थिति अगर ठीक है तो सारी स्थितियां ठीक मानी जाती हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चाहे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देख लें और हमारे चाहे सीएजी की रिपोर्ट देख लें, उसमें हमारे एफआरबीएम देखा जाता है कि हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बजट मैनुअल की, बजट मैनेजमेंट एक्ट की, वो क्या है। हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसके बाद कोशिश घाटा हमने कभी पार नहीं किया, जो उनकी सीमा थी, जब तीन थी तो तीन नहीं पार किया, जब साढ़े तीन थी तो साढ़े तीन नहीं पार किया, अब जब चार साढ़े चार थी तो हमारा 4.17 था, और वो भी अगर फाइनल जो अनुमान आया वो लगभग 2.5 पर है, यानी वो 3 पे भी नहीं है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, सकल घरेलू क्या क्या उत्पाद क्या होता है, जो सरकारें लेती हैं तो उसको क्या करती हैं, उसको कैसे कैसे पेमेंट करती है। और हम अपना पेमेंट बता दें कि जो हमने ब्याज के साथ पेमेंट किया है, जब हमने कर्जा लिया 17-18 से, आपने पूछा 17-18 में हमने मूलधन भी किया और 29,135 करोड़ रुपए ब्याज दिया, 18-19 में 32,042.09 करोड़ रुपए ब्याज दिया, 2019-20 में 34,813.02 करोड़ रुपए ब्याज दिया, 2020-21 में 37,428 करोड़ रुपए 48 लाख रुपए ब्याज दिया, और 21-22 में अनुमानता 42,504 करोड़ 25 लाख रुपए ब्याज हम देंगे। मान्यवर, ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको समझ लेना चाहिए। और जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि हमारा 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट है इस बार और 6,11,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, सवाल यह है कि ये तो चलेगा ही, अमेरिका का 100% से ज्यादा है ऋण जमा अनुपात, ऋण के अगेंस्ट में जीडीपी उनका 100% से ज्यादा है, जापान का भी यही है, दुनिया की जितनी भी सरकारें प्रोग्रेसिव है सब कर्जा लेती हैं। आप पूछ लीजिएगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर रहे, माननीय नेता सर पूछ लीजिएगा बैठ के किसी वक्त, ये हमारी फाइनेंशियल पोजिशन, हमारी फाइनेंशियल पोजिशन मान्यवर सीएजी के हिसाब से और रिजर्व बैंक के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल पोजिशन ठीक है और हम बेहतर लगातार स्ट्रेंथन हो रही, लगातार स्ट्रेंथन हो रही और कहीं पर से इसमें कोई कमी नहीं है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इन टेक्निकल टर्म्स को समझने की आवश्यकता है। इस तरीके से नहीं देखा जाता कि हमारे वहां प्रदेश में पैदा हुए हर बच्चे के ऊपर इतना कर्जा है, हम कर्जा फिर लेंगे और ब्याज सहित उस कर्जे को हम चुकाएंगे, फिर लेंगे और फिर ब्याज सहित चुकाएंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री अजय कुमार जी, माननीय मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, माननीय अजय कुमार जी आप अनुपूरक कर लें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक किसानों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री जी से पूछा था कि